छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में अक्सर विकास विरोधी एवं जन विरोधी विचारधारा वाले माओवादियों द्वारा आम जनता के लिए सबसे उपयोगी सड़क को काटकर नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे ग्रामीणों को आपातकाल में चिकित्सा की स्थिति में एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती। वहीं एक ओर जहां बस्तर क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल लगातार माओवादियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार विभिन्न अफसरों पर आम जनता की सहायता एवं सेवा करने से पीछे नहीं हट रही। बस्तर क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल द्वारा विभिन्न अफसरों पर आम जनता तक पहुंचाकर कभी चिकित्सा सेवा, कभी राशन, कपड़े एवं अन्य प्रकार की सहायता पहुंचा रही है। वहीं बस्तर रेंज द्वारा बताया गया कि संभाग के अंदरूनी वनांचल इलाका में क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए शासन द्वारा सड़क, पुल, पुलिया एवं अन्य कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। दूसरी ओर प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीओ महोदय संगठन द्वारा अंदरूनी क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया के संपर्क से वंचित करने के लिए लगातार एक साजिश के तहत इन सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को विरोध करते आ रही है। अब तक महोदय द्वारा बस्तर संभाग में 250 से अधिक सड़क एवं पुल पुलियों को ध्वस्त की गई, इससे क्षेत्र के जनता को अनेक प्रकार की कठिनाई को सामने करना पड़ रहा है। इसके एक ताजा उदाहरण, दो दिन पूर्व दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर क्षेत्र के एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तब एम्बुलेंस या गाड़ी की सुविधा की जा रही है, क्योंकि पूर्व में महोदय द्वारा उस गाँव तक जाने वाला सड़क को ध्वस्त करने के कारण से महिला को एम्बुलेंस या गाड़ी से हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए थे। इस परिस्थिति में ग्रामीण द्वारा गर्भवती महिला को पलंग में लेटाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इसे देखते हुए डीआरजी जवान द्वारा तत्काल एक मानवता का परिचय देते हुए उस गर्भवती महिला को अपने कंधों पर हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। प्रसव के पश्चात दोनों माँ और बच्चा भी स्वस्थ हैं। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।